वेलकम टू सिबिल सेपियंस कनेक्टिंग वाइजली विथ लर्नर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो यूजफुल है अगर हम पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, दी होल ऑफ दी अर्थ के बारे में। लेकिन अगर पार्ट ऑफ दी अर्थ या किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में हमें जानना है तो उसके लिए हमें मैप्स चाहिए। मैप्स बेसिकली कुछ रिप्रेजेंटेशन होती हैं जो अर्थ के सर्फेस को एज अ फ्लैट हम रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑन अ पेपर, उसको हम लोग मैप्स बोलते हैं। तो मैप्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। मैप्स किसी पर्टिकुलर एरिया का भी होता है और अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द स्केल होता है और किसी पर्टिकुलर एरिया का होता है, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि बहुत बड़े किसी डिस्ट्रिक्ट का किसी कंट्री का मैप होता है। तो बहुत सारे मैप्स को जब हम किसी बुक में कलेक्ट कर लेते हैं तो उस बिग बुक को हम लोग एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। एटलस वेरियस साइजेस का होता है, उसकी मेजरमेंट्स डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द स्केल दैट यू आर टेकिंग। तो मैप्स बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मोर देन द ग्लोब। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। उसमें सबसे पहला टाइप है हमारा फिजिकल मैप्स। तो फिजिकल मैप्स किस के लिए यूज़ करते हैं? फिजिकल मैप्स हम लोग नेचुरल फीचर्स जो अर्थ के हैं, जैसे माउंटेंस हो गया, पहाड़, पठार, इन सबको दिखाने के लिए, रिवर्स, ओशंस, नदी, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम फिजिकल मैप्स को यूज़ करते हैं। तो फिजिकल मैप्स को हम लोग रिलीफ मैप्स भी बोलते हैं। ओके, तो फिजिकल मैप हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप की जो भी किसी सिटीज, टाउन्स, विलेजेस और डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड और उसकी बाउंड्रीज को दिखाता है, वैसे मैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स अगर मान लीजिए आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखते हो तो इंडिया हैज 29 स्टेट्स, तो उन सारे 29 स्टेट्स अलॉन्ग विद बाउंड्रीज एंड यूनियन टेरिटरीज आर शोन इन द मैप। तो वैसे मैप्स को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप्स। आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थीमेटिक मैप्स। तो थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? कोई भी मैप जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एरिया का रोड मैप जानना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल जानना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वैसे चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें थीमेटिक मैप्स को देखना पड़ता है। तो मैप्स के बेसिकली तीन कॉम्पोनेंट होते हैं। पहला है हमारा डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा सिम्बल। आइए हम लोग तीनों को एक करके देखते हैं। थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। पहला है हमारा डिस्टेंस, देन वी हैव डायरेक्शन एंड देन वी हैव सिम्बॉल। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या है। वन ऑफ द कॉम्पोनेंट मैप्स क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब भी हम मैप्स को ड्रॉ करने लगते हैं तो एंटायर वर्ल्ड या पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चूंकि पेपर पे फिट हो जाए, उसके लिए हम लोग उसके डिस्टेंस को क्या करते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। और इस रिडक्शन को हम लोग बहुत केयरफुली करना पड़ता है सो दैट कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस रियल रह सके। अब मान लीजिए किसी स्मॉल डिस्टेंस को अगर हम पेपर पे लास्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड जो है उसको हम लोग स्मॉल डिस्टेंस ऑन द पेपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप स्कूल की बात करो तो स्कूल आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। अगर इस 10 किलोमीटर को हम लोग 2 सेंटीमीटर से मैप पे दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा? 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैप के लिए। अगर किसी भी मैप को देखो, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेज ऑन द मैप। किसी भी दो प्लेसेज के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए स्केल की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट आता है, अगर आप मान लीजिए कि लार्ज एरिया आपको रिप्रेजेंट करना है, किसी भी कॉन्टिनेंट को आपको पेपर पे शो करना है, तब आप क्या करते हो? उसके लिए हम लोग स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं। तो ये स्मॉल स्केल मैप क्या है? अगर मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, तो 500 किलोमीटर अगर ग्राउंड पे 5 सेंटीमीटर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको मैप पे, तो इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। ओके, लार्ज एरियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल स्केल मैप करते हैं, यानी कि इन द लार्ज द डिस्टेंस इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलर डिस्टेंस ऑन द पेपर। और नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप क्या है? जैसे कि मान लीजिए अभी किसी स्मॉल एरिया विलेज को दिखाना है, टाउन को दिखाना है, सिटी को दिखाना है, सिर्फ एक सिटी या एक विलेज या एक टाउन को हमें पेपर पे दिखाना है, तो उस केस में हम लार्ज स्केल भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट्स ओनली 500 मीटर्स ऑन द ग्राउंड,
अराउंड। तो वैसे मैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप्स। तो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं जो मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन के। तो मैप, जब भी हम मैप्स को देखते हो आप देखोगे कि ऊपर अपर राइट हेड कॉर्नर पे एन लिखा रहता है, एन लेटर डिनोट करता है, दैट इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन, उसको हम लोग नॉर्थ लाइन भी बोलते हैं। आप अगर नीचे आते हो तो एस लेटर लिखा रहता है, दैट इज़ साउथ डायरेक्शन। बेसिकली फोर मेजर्स डायरेक्शन होते हैं। तो चार मेजर डायरेक्शन कौन कौन से हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, उसको हम लोग कार्डियल पॉइंट्स भी बोलते हैं। इन चारों डायरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियल पॉइंट्स, यू विल रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं। तो ये सारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन कौन हैं, जैसे हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इन सारे डायरेक्शंस की हेल्प से हम लोग मैप पे इजीली किसी भी, मान लीजिए प्लेग्राउंड को रिप्रेजेंट करना है, इन अ स्कूल, इट कैन बी इजीली लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस। ओके, तो डायरेक्शन किसी भी प्लेस को भी हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, कॉम्पास की हेल्प से। कॉम्पास क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज टू फाइंड आउट द मेन डायरेक्शंस। जो इसकी मैग्नेटिक निडल होती है वो टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमेशा पॉइंट करती है, तो इससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंबल्स के बारे में। चलिए आइए देखते हैं सिंबल्स के बारे में। तो ये थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मैप्स का। बेसिकली अगर मैप को आप एक्चुअल शेप और साइज में ड्रॉ नहीं करते हो पेपर पे, तो क्या होता है कि फिर भी हमें बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, जितने भी वेल्स हैं, उन सब चीज़ों को क्या होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग, डिफरेंट फीचर्स ऑफ, हम लोग यूज़ करते हैं लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, शेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो बहुत सारे सिम्बल्स हम यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया का अगर लैंग्वेज की आइडिया नहीं है, तो भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन से डायरेक्शन पूछ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी सिंबल्स। तो मैप्स यूनिवर्सल लैंग्वेज होते हैं जो कि सबके द्वारा समझे जाता है। इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, यू कैन से दैट इज अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था इन सारे सिंबल्स के लिए, और तब ये सारे सिंबल्स दिए गए। इन सारे सिंबल्स को हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। तो नीचे मैंने फिगर में बताया है कि कौन कौन से सिंबल्स है, रेलवेज के लिए हम लोग कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं, रोड्स के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं, टेम्पल्स के लिए, चर्च के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, सेटलमेंट्स के लिए। तो वेरियस कलर्स भी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए ब्लू रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडीज़ को, आप जब भी मैप्स पे देखोगे तो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, इट इज़ क्लियर कि वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं। जहाँ पे आपको ब्राउन कलर दिखेगा, मतलब वहाँ पे माउंटेन्स हैं। जहाँ पे येलो है, मतलब देयर इज़ प्लैटियूज, एंड जहाँ पे ग्रीन कलर है मीन्स वहाँ पे प्लेन्स हैं। तो ये सारे कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं प्लैटियूज, माउंटेन्स, प्लेन्स, वाटर बॉडीज़ को। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्केच। क्या है स्केच, कोई भी ड्राइंग है जो कि हम मेमोरी की बेसिस पे या स्पॉट ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे बनाते हैं। ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, और एक रफ ड्राइंग आप कह सकते हो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का। जैसे कि मान लीजिए किसी प्लेस के आप किसी फ्रेंड के घर जाते हो और आपको एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता है, बट आप एक रफ ड्राइंग बना के उसकी घर के वे का, आप मतलब उसके घर के रास्ते का आप डायरेक्शन बताते हो, तो वैसे रफ ड्राइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं, स्केच मैप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्लान। तो प्लान क्या है, प्लान किसी भी स्मॉल एरिया का लार्ज स्केल पे ड्राइंग होता है। यानी कि आप लार्ज स्केल मैप को, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं स्मॉल स्केल मैप्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि स्मॉल स्केल्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को हम लोग कम में रिप्रेजेंट करते हैं, पर लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, कम डिस्टेंस को हम लोग ज़्यादा में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लाइक लेंथ, ब्रेथ। अगर मान लीजिए कोई रूम शो कर रहे हो आप मैप में, तो लेंथ, ब्रेथ सब कि आप जानकारी ले सकते हो मैप से ही। तो वैसे ड्राइंग्स को जो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। तो होप आप सब लोगों का क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप वीडियो को उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस विल कीप अस मोटिवेटेड। और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।